नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारड़ी वाघ छिपा में वापी के भाजपा बूथ अध्यक्ष की रुपए के लेन देन में चाकू से हत्या कर दी गई। आरोपी ने शव को 6 घंटे तक कार की डिक्की में रखा और वापी रेलवे फाटक के पास फेंक दिया। धर्मपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक से 1.50 लाख रुपए निकालकर घर जा रहे दिव्यांग की जेब से शख्स 50,000 लेकर फरार हुआ। घर बनाने के लिए खरीदे गए स्टील का बिल और ठेकेदार को रुपए देने के लिए बैंक में गया था। सिलवासा के आमली में बसेरा कॉम्प्लेक्स के सामने एक कार का नियंत्रण बिगड़ा और जाकर सीधा दीवार से टकरा गई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारड़ी बाघ छिपा में वापी के भाजपा बूथ अध्यक्ष की रुपए की लेन देन में चाकू से हत्या कर दी गई। वापी देसाईवाड़ में एक धारा अपार्टमेंट में रहने वाले 51 वर्षीय राम बिहारी जीतू भारद्वाज का शव 3 जून को वापी चेक पोस्ट के पास संदिग्ध हालत में मिला था। टाउन पुलिस ने शव का कब्जा लेकर जांच शुरू की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले की नली में हुई चोट और रक्तस्राव के कारण मौत होने का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और उस दिशा में जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला एलसीबी की टीम और वापी टाउन पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर गहन जांच शुरू की और पता चला कि मृतक का दोस्त राजेश उर्फ बबलू मंगला यादव, जो वापी वास्तव पार्क बंगला नंबर 61 में रहता है, उसके साथ पैसों के लेन देन में झगड़ा हुआ था और उसी ने चाकू से गला काटकर मृतक की हत्या की और शव को चेक पोस्ट के पास फेंक दिया था। घटनाक्रम 2 जून को शुरू हुआ था। मृतक और आरोपी बलेनो कार में वड़खंबा में आरोपी के आम के मंडप पर जा रहे थे, जहां पैसों को लेकर दोनों के बीच बहस हुई थी। इसके बाद वे वाघछिपा में मेहुल पटेल की बाड़ी में केले की खेती के लिए भाड़े पर लेने के लिए पेमेंट करने गए थे, जहां कोई नहीं होने पर अकेलेपन का फायदा उठाकर राम बिहारी पर चाकू से हमला किया गया। वाघछिपा में राम बिहारी के गले पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को कार की डिक्की में भरकर ठिकाने लगाने के लिए वह घूम रहा था। रात 8:30 बजे वापी चेक पोस्ट के पास पहुंचते ही उसने सुनसान इलाके में शव को रेलवे के गटर में फेंक दिया और फरार हो गया। आरोपी बबलू यादव ने पुलिस हिरासत में बताया कि मृतक राम बिहारी से वीसी के 8 लाख और सहारा इंडिया के 8 लाख मिलाकर कुल 16 लाख लेने की मांग करते समय मृतक ने गाली दी थी। इसके कारण दोनों के बीच झगड़ा हुआ और मुंह पर थप्पड़ मारकर चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी बबलू यादव को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। वापी ना बलिठा रेलवे ट्रैक पास एक अजाण्या इसम नी लाश मळेली एवी पुलिस ने जाण थता पुलिस स्थल पर पहुंची गयेली अने आ लाश बाबते तपास करता आ लाश वापी ना राम बिहारी जीतू भारद्वाज नी होवानुं એના દીકરાએ ઓળખી બતાવેલું। આ લાશ શંકાસ્પદ હાલતમાં મળેલો હોય પોલીસે આ લાશનું પીએમ કરાવતા પીએમ દરમિયાન આ મરણ જનાર છે એને કોઈ ઈજાના કારણે મરણ થયેલા હોવાનું જણાતા એના દીકરાએ આ બાબતે વાપી ટાઉન પોલીસનો ફરિયાદ આપેલી અને ફરિયાદમાં એણે આ મરણ જનારના મિત્ર રાજેશ ઉર્ફે બબલુ ઉપર શક દર્શાવેલો। આ ફરિયાદના આધારે પોલીસે તપાસ શરૂ કરતા રાજેશ ઉર્ફે બબલુને મળી આવતા એની પૂછપરછ કરતા રાજેશ ઉર્ફે બબલુએ આ મરણ જનારની પોતે છરીના ઘા મારીને હત્યા કરેલી છે એવો ગુનો કબૂલેલો હતો। આજે મરણ જનાર છે એ પહેલાં સહારા ઇન્ડિયામાં કામ કરતા હતા અને એ વીસી પણ ચલાવતા હતા। આરોપી છે રાજેશ ઉર્ફે બબલુ, એણે મરણ જનાર પાસે વીસીમાં 8-1 લાખ રૂપિયા લેવાના હતા અને સહારા ઇન્ડિયામાં પણ એણે 8-1 લાખ રૂપિયા રોકેલા હતા, એમ મળીને કુલ 16 લાખ રૂપિયા આરોપીએ મરણ જનાર પાસેથી લેવાના હતા। અવારનવાર આરોપી મરણ જનાર પાસે પોતાના રૂપિયાની માગણી કરતો હતો પરંતુ મરણ જનાર રૂપિયા આપતો ન હતો। બનાવના દિવસે આરોપી અને મરણ જનાર બંને જણા આરોપીનો હોલસેલ કેરી વેચવાનો ધંધો છે એના માટે વણખંભા મુકામે ગયેલા અને ત્યાંથી વાઘછીપા ગામે એક વાડી ઉપર ગયેલા કેરીઓ લેવા માટે। એ દરમિયાન આ મરણ જનાર અને આરોપી વચ્ચે ફરીથી પૈસાની લેતી દેતી બાબતે ઝઘડો થયેલા અને આ વાડી ઉપર કોઈ હાજર ન હોય
એનો લાભ લઈ અને આરોપીએ મરણ જનારને છરીથી એનું મોત નિપજાવેલું છરી મારી એને. ત્યારબાદ આરોપીએ મરણ જનારની લાશ પોતાની બલેનો ગાડીમાં મૂકી દીધેલી અને આ લાશનો કેવી રીતે નિકાલ કરો, ક્યાં નિકાલ કરો એવું વિચારતા વિચારતા 3 કલાક જેવી લાશ પોતાની ગાડીમાં લઈ અને અલગ અલગ જગ્યાએ ફરેલો અને છેલ્લે આ જે જગ્યાએથી લાશ મળી આવેલી છે એ બલીઠા રેલવે ટ્રેક પાસે એણે મરણ જનારની લાશ ફેંકી દીધેલી. ફરિયાદની અંદર મરણ જનારના પુત્રએ આરોપી ઉપર શક દર્શાવેલો, એના આધારે પોલીસ ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીદારો આધારે આરોપીને તપાસ કરી અને ઝડપી પાડે. ધરમપુર કે આસુરા ઝાંપા કે પાસ રહેને વાલી 57 વર્ષીય દિનેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ મોદી જો દાહિને પેર સે દિવ્યાંગ હૈ, પિછલે 35 વર્ષો સે પોસ્ટ ઓફિસ મે એજન્ટ કે રૂપ મે સેવા દે રહે હૈ. દિનેશભાઈ અપને નયે ઘર કા નિર્માણ કરવા રહે હૈ, ઇસલિયે 3 જૂન કો ઉન્હોને ઘર કે નિર્માણ કે લિયે ખરીદે ગયે સ્ટીલ કા બિલ ઓર કોન્ટ્રાક્ટર કો પૈસે દેને થે, ઇસકે લિયે વે ધરમપુર કે પ્રભુ ફલિયા મે સ્થિત બેંક ઓફ બરોડા બેંક મે चेक से 1.50 लाख निकालने गए थे. बैंक ऑफ बड़ौदा के कैशियर ने उन्हें 500 के नोटों के 3 बंडल दिए. दिनेश भाई ने 2 बंडल अपनी पैंट की दाहिनी जेब में रखे और 1 बंडल पैंट की बाईं जेब में रखा. दिनेश भाई मोदी बैंक ऑफ बड़ौदा से बाहर आ रहे थे तभी बैंक में खाताधारकों की भीड़ का फायदा उठाकर एक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पैंट की बाईं जेब से 500 के नोटों का बंडल निकाल लिया. जब दिनेश भाई बैंक से बाहर आए और अपनी जेब चेक की तो उन्हें बाई जेब में रखा 500 का बंडल नहीं मिला, इसलिए उन्होंने तुरंत बैंक में जाकर चेकिंग की लेकिन खोया हुआ बंडल नहीं मिला. इस घटना के बारे में उन्होंने बैंक के मैनेजर को सूचित किया. बैंक के मैनेजर ने तुरंत सुरक्षा और धरमपुर पुलिस को घटना की जानकारी दी. धरमपुर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दिनेश भाई और बैंक के मैनेजर के बयान दर्ज किए और आगे की जांच शुरू की. धरमपुर पुलिस स्टेशन में दिनेश भाई मोदी ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. दिनेश कुमार ईश्वरलाल मोदी रहवासी आसुरा जापा बाजार धरमपुर. दिनेश भाई शुं घटना बदली तमारी साथे ने? मारे पोतानु मकाननु बांधकाम चाले छे आसुरा जापा विस्तार मा. मैं पैसा नी मारे जरूरियात होवाथी कॉन्ट्राक्टरो ने मजूरो ने पैसा आपवा माटे उपाड़वा माटे पैसा गयो हतो. बपोरने 12:35 માં ગયો હતો. કાઉન્ટર પરથી મને પૈસા આપ્યા. કાઉન્ટર પરથી પૈસા આપીને મેં જરાક, મેં પોતે હેન્ડીકેપ છું, પાછળ ફરતા મારા ખિસ્સામાંથી બેંકના અંદરથી મારા પૈસા 2 લાખ રૂપિયા ઉપાડ્યા હતા. તે 2 લાખમાંથી મેં 2 ખિસ્સામાં અલગ અલગ મૂક્યા હતા. મારા પેન્ટના ખિસ્સા મોટા હતા ને બહાર નીકળ્યા બાદ મેં થોડેક ગયો ને હાથમાં મને ટેવ હતી, ખિસ્સામાં ટેવ મારવાની, પૈસા નહીં મળે એટલે બેંકમાં મેં પાછો આવ્યો. બેંકમાં કીધું ભાઈ સીસી કેમેરા ચાલુ કરો, મારા પૈસા ચોરાયા છે બેંકમાંથી. બેંકના સીસી કેમેરાના આધારે જોતા બેંકના કબજામાંથી મારા 50,000 રૂપિયાની ચોરી થઈ છે. પોલીસ ફરિયાદ મેં આપી છે. પ્રજાપતિ સાહેબે સહકાર આપે છે અમને ને જવાબ લેવા માટે મને બોલાવે પણ છે પ્રજાપતિ સાહેબ. બેંક ઓફ બરોડામાં આ કિસ્સાઓ જે અધિકારીઓ જે ગ્રાહકને સગવડ આપવાની હોય છે એ વસ્તુ ધ્યાન આપતા નથી. ગ્રાહકો જે બેંક પર વિશ્વાસ મૂકે છે તેઓ ગ્રાહકને બેંકના મેનેજરશ્રી કે સ્ટાફવાળા ભાઈઓ કોઈ પણ સહકાર આપતા નથી. અને સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ શું કહે છે? સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ નથી. એ લોકોએ સિક્યુરિટી કાર્ડ મૂક્યો કે સીસી કેમેરામાં એક માણસને ઓપરેટ કરવો જોઈએ તે નથી મૂકતા. પાર્ટીઓ બહાર નીકળી જાય, બેંક ઓફ બરોડાની બહાર પણ સીસી કેમેરા નથી મૂક્યા. ઉપર ICICI બેંક છે એની પાસે પણ બહારની સાઈડે કેમેરા નથી. બેંકના ગ્રાહકો ICICI હોય કે બેંક ઓફ બરોડાના ગ્રાહક હોય એ લોકો પૈસા લઈને કોઈ હોશે પૈસા લઈને પૈસાની જરૂરિયાત હોય તો બહારથી ચોરી થતી જ છે જ. ને આ મારો બેંક ઓફ બરોડાનો 7મો કિસ્સો છે. અમારા તા આદિવાસી ભાઈઓ પૈસા હોશે લેવા આવે છે ને આવી રીતે ચોરી થાય, મહેનતના પૈસા હોય તો કેવી રીતે થાય? ને આ ધરમપુરમાં એક આ ન્યુસન્સ ચોરનું વધી ગયું છે. બેંકો પર જ નજર રાખે છે ને રસ્તા પર બી ફરતા જ રહી છે. સિલવાસા કે આમલી મે વસેરા કોમ્પ્લેક્સ કે સામે એક કાર કા નિયંત્રણ બિગડા
और वह जाकर सीधा दीवार से टकरा गई। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के आमले स्थित बसेरा कॉम्प्लेक्स के सामने सुबह लगभग 7:30 बजे एक कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार सीधे दीवार से टकरा गई। मारुति सुजुकी कार के चालक ने आमली एक्सटेंशन स्थित बसेरा कॉम्प्लेक्स के सामने नियंत्रण खो दिया और दीवार से टकराते हुए दुर्घटना हो गई। कार सीधे दीवार से टकराई थी। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग दौड़ कर आए और सौभाग्य से दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं हुई, हालांकि कार को नुकसान पहुंचा था। उमरगाम नए रेलवे क्वार्टर के पास मिले शव का पुलिस ने रहस्य सुलझाया, साथ ही हत्या के दो आरोपी भी पकड़े गए। उमरगाम सोलसुंबा न्यू उमरगाम रेलवे स्टेशन DFCCIL के नए रेलवे क्वार्टर्स में संदिग्ध हालत में शव मिला था। जांच करने पर यह युवक संतोष चंद्रिका राय यादव होने की खबर सामने आई। इस मामले में मृतक के भाई मोतीलाल चंद्रिका राय यादव ने उमरगाम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी। वलसाड SP डॉक्टर करणराज वाघेला और DYSP BN दवे के मार्गदर्शन में वलसाड LCB उमरगाम पुलिस की टीम ने CCTV और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर संतोष यादव की हत्या करने वाले दो आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी शैलेंद्र उर्फ शैलेश हीरा राय यादव वलसाड मोगरावाड़ी जो कि मूल रहवासी बिहार और सूरज उर्फ सूर्या सरजू सुखई राजभर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सोलसुंबा रेलवे फाटक पर कॉरिडोर की दीवार बनाने के लिए मजदूरी का काम करने आए मृतक संतोष यादव के साथ रात के समय खाने को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद दोनों आरोपियों ने मारपीट कर गला दबाकर और सरिये से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को पकड़कर आगे की जांच शुरू की है। पारडी में लगातार दूसरे दिन सुबह वर्षा होने से असहनीय गर्मी से लोगों को राहत मिली। पारडी में सुबह अचानक बादल छाए वातावरण के बीच वर्षा का माहौल बन गया। लगातार दो दिनों से सुबह 7 बजे के आसपास पारडी शहर और गांवों के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा हुई, जिससे मौसम में ठंडक फैल गई और गर्मी से लोगों को राहत मिली। गर्मी का तापमान इतना बढ़ गया है कि लोग अब वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। तब पारडी के विभिन्न क्षेत्रों उमरसाड़ी माछीवाड़ देसाईवाड़ आदि में वर्षा हुई तो दूसरी ओर आम के पेड़ पर तैयार फल होने के कारण किसान परेशानी में पड़ गए। सुबह व्यापार धंधे के साथ जाने वाले लोग नौकरी पेशा वर्ग को वर्षा ने परेशानी में डाल दिया था, लेकिन बाद में वातावरण साफ हो गया। वलसाड में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं दूसरी ओर बिजली की कड़कड़ाहट से लोग परेशान हुए। वलसाड में पिछले कई दिनों से गर्मी की मात्रा बढ़ने के कारण असहनीय उमस के बीच सुबह बारिश का माहौल बन गया और कुछ ही पलों में तेज बारिश से पूरा क्षेत्र तरबतर हो गया, जिससे मौसम में ठंडक फैल गई। हालांकि कुछ समय के लिए हुई बारिश से ग्रामीण क्षेत्र में बिजली गुल हो गई। वलसाड में पिछले कुछ ही दिनों में अलग अलग क्षेत्रों में बारिश हो रही है और भारी गर्मी का सामना कर रहे लोग भी बारिश का आनंद ले रहे हैं। इस बार मौसम की भविष्यवाणी के अनुसार मानसून की शुरुआत लगभग 15 जून तक होने की पूरी संभावना है, जिसके बीच बारिश की शुरुआत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी ओर इस बार आम की देरी से आवक के कारण आम के पके हुए फलों को भी नुकसान की आशंका है, इसलिए वलसाड में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है और मानसून के मौसम की शुरुआत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वलसाड अतुल गुंदलाव गुरवाड़ा पारनेरा भागड़ावाला कोसंबा भागड़ा खुर्द जैसे क्षेत्रों में बारिश हुई। सुबह अचानक बारिश होने से नौकरी पर जाते लोग भीग गए। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पारडी बाघ छिपा में वापी के भाजपा बूथ अध्यक्ष की रुपए के लेन देन में चाकू से हत्या कर दी गई। आरोपी ने शव को 6 घंटे तक कार की डिक्की में रखा और वापी रेलवे फाटक के पास फेंक दिया।
धरमपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक से 1.50 लाख रुपए निकालकर घर जा रहे दिव्यांग की जेब से शख्स 50,000 लेकर फरार हुआ। घर बनाने के लिए खरीदे गए स्टील का बिल और ठेकेदार को रुपए देने के लिए बैंक में गया था। सिलवासा के आमली में बसेरा कॉम्प्लेक्स के सामने एक कार का नियंत्रण बिगड़ा और जाकर सीधा दीवार से टकरा गई। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए नमन न्यूज़। नमस्कार।